बेटा आज हमारा 10th क्लास में फर्स्ट डे है और लेक्चर है आपके पास चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 चैप्टर डे है बेटा आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटा होता क्या है आपके पास, सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम होता क्या है। अब प्रॉब्लम जो है वो हमें मुख्तलिफ जगहों पर पेश आ सकता है, और प्रॉब्लम जो है वो हमारे घर में भी हो सकता है, हमारे काम करने की जगह पर भी इस प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ सकता है, और वो प्रॉब्लम जो है वो किसी शॉप पर भी हो सकता है, किसी भी जगह पर आपको किसी भी मसले का जो है सामना करना पड़ सकता है। उस मसले को किस तरह से हल किया जाता है इसके बारे में जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन बेटा आपको पता होनी चाहिए। डिफाइन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज एनी डिफिकल्टी हर्डल और चैलेंज दैट यू फेस इन योर डेली लाइफ। प्रॉब्लम इज एनी डिफिकल्टी हर्डल और चैलेंज दैट यू फेस इन योर डेली लाइफ। प्रॉब्लम जो है वो आपको किसी भी जगह पर जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम जो है वो किसी मसले को कह सकते हैं आप, या फिर किसी चैलेंज को जिसको आप सामना कर रहे हैं वो आपका मसला कहलाएगा। अब इसमें उस मसले को किस तरह से हल किया जाए, डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल व्हिच कैन बी डेवलप्ड बाय द फॉलोइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। प्रॉब्लम को जो है वो एक महारत है जिसे हम उस मसले को बेहतरीन तरीके से हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग इज आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। प्रोग्राम में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी का हिस्सा कहलाती है। अब बेटा इसके पॉइंट्स की तरफ आते हैं। किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए आपके पास 9 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 9 स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। पहला वाला है आपके पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन जो है वो आपको बुक पर जो है वो दी हुई है, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। प्रॉब्लम एट दिस स्टेज प्रॉब्लम बीइंग सॉल्वड इज ऑब्जर्व केयरफुली। मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड आउट। इस मरहले में जो कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला मरहला है उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बारे में जो है वो बात की जाती है। इसमें प्रॉब्लम को जो है वो केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मेजर एरियाज होते हैं जिस पर हमें कंसर्न करना है उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद इसमें जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको फिल्टर्ड आउट कर दिया जाता है। तो ये आपका पहला मरहला था जिसमें आप प्रॉब्लम को जो है वो देखते हैं कि वो प्रॉब्लम किस वजह से आया है और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। दूसरा पॉइंट है आपके पास स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट में बेटा क्या होता है आपके पास, एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम मेजर एरिया एट दिस स्टेज स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट में दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक